आरपीएमसी की बड़े बड़े एपिसोड अभी तो बाकी है मेरे प्यारे दोस्तों। आरपीएमसी ने अभी तो शुरुआत की है, आरपीएमसी के बड़े बड़े एपिसोड आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन बटन ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सभी को जैसा कि पता है कि आरपीएमसी ने एक ख़तरनाक न्यूज़ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दी गई है, जिसको देखकर ये लगता है कि आपका ये साल पूरा चला गया। पता नहीं आरपीएमसी क्या चाहती है स्टूडेंट्स से, स्टूडेंट्स को कितना नुकसान पहुंचाना चाहती है, स्टूडेंट के साथ क्या करना चाहती है, ये समझ में नहीं आ रहा। आरपीएमसी ने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे तब से लेकर अब तक आरपीएमसी सभी स्टूडेंट्स को परेशान कर ही रही है। इसका मतलब तो यही लगता है कि आरपीएमसी आपको एडमिशन होने के बाद भी इसी तरह परेशान करती रहेगी। फिर भी देखते हैं क्या आरपीएमसी का अपडेट आया है और उस आरपीएमसी के अपडेट में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ। तो आप जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले आरपीएमसी ने 30 जुलाई को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था। उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो काउंसलिंग के जो पोर्टल है उसको डेट बढ़ाकर 10 अगस्त तक कर देते हैं। ठीक है, 10 अगस्त तक उन लोगों ने उस टाइम कर दी, लेकिन 10 अगस्त तक तो कर दी, बट उसमें फिर उन्होंने सोचा कि अपने सोचा कि 10 अगस्त के तक मान लेते हैं, इसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद भी अब आज 10 अगस्त को फिर नया नोटिस आरपीएमसी ने रिलीज कर दिया अपनी वेबसाइट पर। थोड़ा बिजी होने के बाद होने की वजह से मैं वीडियो अब बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अच्छी तरीके से। मैं बता दूंगा उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज जो नोटिफिकेशन आया उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आरपीएमसी ने अपने जो एग्ज़ाम डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया है। कितना एक्सटेंड किया है उसके बारे में नोटिफिकेशन पर जाने पर पता रहेगा। जैसे कि आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे, वेबसाइट पर आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ आपको नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर नोटिफिकेशन ऊपर ही दिखाई देगा कि ऑप्शन फॉरम फिलिंग एडमिशन सेशन 2020-21 डेट एक्सटेंड टिल 18 अगस्त, यानी कि 18 अगस्त तक आपका एप्लीकेशन फॉरम भरने के लिए, और आपके जो सेशन था, जो पोर्टल था, पोर्टल को 18 अगस्त तक और पोस्टपोन कर दिया है। तो आप सोच सकते हो कितना टाइम निकल गया। कब से फॉरम भरना स्टार्ट हुए थे, 2 मार्च से इसके एप्लीकेशन फॉरम स्टार्ट हुए थे। अब 2 फरवरी से आपके एप्लीकेशन फॉरम भरना स्टार्ट हुए थे। 3 फरवरी से आपके एप्लीकेशन फॉरम भरना स्टार्ट हुए थे और 23 अप्रैल तक आपके एप्लीकेशन फॉरम भरते रहे थे, लेकिन अभी तक इसकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रही है। कितना सिंपल प्रोसेस से काम करता है आरपीएमसी, आप सभी को ये देख के पता लग ही गया होगा। ये सारे जो लक्षण हैं ये देख के आपको पता लग ही रहा होगा कि आरपीएमसी कितना आलसी और डीट इंसान की तरह काम कर रहा है। स्टूडेंट्स के भले की बिल्कुल नहीं सोच रहा, स्टूडेंट का चाहे नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, आरपीएमसी को अपने मतलब से मतलब रख रहा है। आरपीएमसी दूसरों से कोई मतलब नहीं रख रहा। स्टूडेंट चाहे एक एक साल से वेट कर रहे हैं आरपीएमसी के चक्कर में, एक एक साल से कहीं एडमिशन नहीं लिया उन्होंने का, बस जिनका टारगेट था कि हमें तो आरपीएमसी में एडमिशन लेना है, वो स्टूडेंट्स अभी भी आरपीएमसी के इंतज़ार में बैठे हुए और वही हालत होती नज़र आ रही है। जो कि रीट वाले स्टूडेंट बोलते थे कि रीट नहीं तो शादी नहीं, तो इसी प्रकार ऐसा होगा कि आपके आरपीएमसी नहीं तो दूसरा कोर्स कोई नहीं। तो सभी स्टूडेंट, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आरपीएमसी के वेट में बैठे हुए हैं, मेरे प्यारे दोस्तों प्राइवेट बीएससी का फॉर्म डालो और कम से कम बीएससी तो करते रहो साथ के साथ ही। कोई मतलब नहीं है आरपीएमसी में, 4 साल आप 2 साल के कोर्स के लिए आपका 4 साल भी ख़राब हो सकते हैं, 5 साल भी ख़राब हो सकते हैं, कोई कंफर्म नहीं है। जब आरपीएमसी एडमिशन में इतना टाइम ले रहा है तो आप सोच सकते हो कि उसमें कितना टाइम लेगा। जब एडमिशन में इतना टाइम ले रहा है तो आपके कोर्स को कंप्लीट करवाने में कितना टाइम लेगा। जो चीज़ 1 महीने की प्रोसेस होती है, 1 महीने की प्रोसेस को आरपीएमसी लगभग कितने महीने, 3 महीने तो फॉर्म भरने में खींच लेते, लगभग 3-4 महीने कोविड का बहाना बना के खींच ले, 1-1.5 महीना ये काउंसलिंग में, करेक्शन में, इनमें खींच लिया। इस चक्कर से आप सोच सकते हो कितना टाइम खींचो, कब मतलब फरवरी से लेके अभी चल रहा अगस्त, यानी कि 6 महीने, टोटल 6 महीने आपके चले गए आरपीएमसी के चक्कर में। तो आप सोच सकते हो कितना बुरा आपके साथ कर रहा है आरपीएमसी। ठीक है, आरपीएमसी एक तरह से स्टूडेंट्स का भला बिल्कुल नहीं चाह रहा, आरपीएमसी अपने मतलब से मतलब रख रहा है। तो देख सकते हो आप बोलोगे कि सर हम हड़ताल कर ले, हम ये कर ले,
कोई मतलब नहीं है, आप हड़ताल करो, चाहे जंग करो, चाहे आरपीएमसी को बारूद से उड़ा दो, तब भी आरपीएमसी अपना एक्शन अपने अकॉर्डिंग ही लेगा, किसी की सुनने वाला नहीं है। तो आरपीएमसी के बारे में जितना बोलते हैं उतना कम है। आरपीएमसी ने आज क्या रीज़न दिया है, अब देखते हैं आज क्या रीज़न दिया आरपीएमसी ने। तो मैं जो नोटिफिकेशन रिलीज किया उसमें नया जो रीज़न दिया है, नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर रखा, आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें क्या रीज़न दिया है कि 10 अगस्त का नोटिफिकेशन है जनसाधारण सूचना कि राजस्थान राज्य में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता संबद्ध प्राप्त निजी महाविद्यालय, निजी राज के महाविद्यालय संस्थानों विभिन्न पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सत्र 2020-21 में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 3/2/21 से 23/4/21 तक आमंत्रित किए थे। बात तो इतनी बहादुरी से लिख रखी है जैसे कि इन्होंने कुछ जबरदस्त काम कर दिया, और 3/2/23 यानी कि मतलब 3 महीने पूरे, टोटल लगभग 82 दिन इन्होंने यूज किए स्टूडेंट्स के। तो और बात इतनी बहादुरी से लिख रखी है कि जैसे उन्होंने उनकी एक महीने में सारा कुछ काम करवा दिया वो, बट फिर भी देखते हैं। आप सभी को पता अभी BFUHS यानी कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस के एप्लीकेशन फॉरम निकले हैं, जिसमें 25 दिन के अंदर अंदर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम तक कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि उसके एप्लीकेशन फॉरम निकले हैं 15, उसमें तो इसमें तो कोई एग्ज़ाम भी तो नहीं करवाना था, इसमें तो डायरेक्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट करना था। जबकि यहाँ तो जो BFUHS जो यूनिवर्सिटी है पंजाब की, इसमें एप्लीकेशन फॉरम निकले हैं 5 अगस्त से फॉरम निकले, और 31 अगस्त तक तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होकर उसका रिजल्ट भी आ जाएगा 31 अगस्त को। यानी कि लगभग 25 से 26 दिन में आपका लगभग रिजल्ट आ जाएगा, और 1.5 महीने के अंदर अंदर आपकी एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि काउंसलिंग हो जाएगी। 4 से 31 को रिजल्ट आएगा और 5 या 7 को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 1.5 महीने के अंदर अंदर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी इस यूनिवर्सिटी के अंदर BSc नर्सिंग की। तो अगर एडमिशन नहीं करवाना हो तो प्रोसेस तो बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन जब आलस करने लग जाते हैं ना टीम, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 3 महीने में एप्लीकेशन फॉरम भरवा दिए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉरम भरवा दिए तो फिर कोविड आ गया बीच में, आ गया कोविड। तो ठीक है, उसके बाद छोड़ो कोविड को भी। ठीक है, कोविड आने के बाद इन्होंने क्या सोचा कि अपन थोड़ा सा टाइम और खींचते हैं, करेक्शन के लिए पोर्टल ओपन कर दिया। ठीक है, चलो 2 दिन का करेक्शन का काम था, जिसको करेक्शन ज़रूरत होगी तो मेरे भाई, जिसको ज़रूरत है वो तो अपने आप सही करवाएगा, आपको क्या लेना देना आरपीएमसी वालों को, आप तो अपना काम करो ना। तो उन्होंने करेक्शन का पोर्टल आ गया, तो करेक्शन का पोर्टल 7 दिन का दे दिया। ठीक है, 7 दिन में जिसने सही नहीं करवाया, 7 दिन में सही नहीं करवाया तो फिर उसको करवा तो लिया सबने, लगभग सबको डर रहता है कि अपने को करेक्शन तो सही करवाना है, तो करवा लिया। फिर भी उन्होंने 10 दिन और एक्सटेंड कर दिए। फिर 10 दिन एक्सटेंड करने के बाद फिर कि चलो अब काउंसलिंग के लिए वेट करते हैं, कब से फोरम ओपन होंगे, तो 10-5 दिन फिर उसमें निकाले, फिर 8-10 दिन बाद फोरम ओपन किए। फोरम ओपन करने के बाद फिर पहले तो काउंसलिंग की डेट 31 कर दी कि 31 जुलाई तक आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। फिर चॉइस फिलिंग के बाद फिर बोला कि चलो 10 दिन और बढ़ा देते, 10 अगस्त तक और कर दे। 10 अगस्त तक करवाने के बाद अब फिर बोल रहे हैं कि हम 18 अगस्त तक आप काउंसलिंग करो, 18 अगस्त तक आपका पोर्टल ओपन रहेगा। अरे मेरे भाई, जिसको भी काउंसलिंग करवानी थी उनको सबके सब करवा चुके, तो बढ़ाने की क्या जरूरत है। कोई भी कैंडिडेट नहीं है, बहुत कम कैंडिडेट है, सभी के लगभग ट्रांजेक्शन सफल हो गया था। यार 1-2 कैंडिडेट है जिनका ट्रांजेक्शन सफल नहीं हुआ था, बट उसको आरपीएमसी हाथों हाथ कर सकती थी, कोई जरूरी नहीं। बैंक सर्वर इतने दिनों में कोई बैंक सर्वर परेशान नहीं कर रहा था, ये एक बहाना है। इसमें लिखा हुआ है कि गत दिनों में बैंक सर्वर पर आई परेशानी से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों के द्वारा विकल्प पत्र भरने हेतु अदा किए गए शुल्क ₹10,000 प्रति अभ्यर्थी के ट्रांजैक्शन फेल हुए हैं, जिससे कई अभ्यर्थियों का पैसा उनके खाते से कट गया, लेकिन विकल्प पत्र के पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ है। इसी कारण इस अभ्यर्थियों का पैसा खाते से कटने के बावजूद विकल्प पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। इन फेल ट्रांजैक्शन के द्वारा किए गए भुगतान का संबंधित खाते में प्रतिदाय अथवा विकल्प पत्र के पोर्टल पर अध्ययन करने के लिए समय लग रहा है। अब ये नया बहाना बना दिया, इसमें अंतिम तिथि को दिनांक 10 से बढ़ाकर 18/8 कर दिया गया है। तो ये मेरे प्यारे भाइयों, ये और बहनों, ये आरपीएमसी की कहानी है जो आपने अभी सुनी। कैसी लगी कमेंट करके बताना। आरपीएमसी ने स्टूडेंट्स का जीना हराम कर रखा है, आरपीएमसी ने स्टूडेंट के साथ बहुत बुरा कर रही है। तो ये थोड़ी सी कहानी थी आरपीएमसी की, ज़िंदगी की। आरपीएमसी में जब आरपीएमसी 2021 का जो सेशन आया था, वो स्टूडेंट्स अपने बच्चों बच्चियों को ये कहानियाँ सुनाया करेंगे कि हम आरपीएमसी करने गए थे, हमारे साथ ऐसा हुआ। तो आप सभी भी सुनते रहिए आरपीएमसी की बड़े बड़े एपिसोड, अभी तो बाकी है मेरे प्यारे दोस्तों। आरपीएमसी ने अभी तो शुरुआत की है, आरपीएमसी के बड़े बड़े एपिसोड आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। अपने प्यारे बच्चों बच्चियों को भी जरूर सुनाना आप आरपीएमसी जब आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद। धन्यवाद।